हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलराम और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौड़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में और आज हम देखने वाले हैं हॉस्टल से रिलेटेड जानकारी देखने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत सारे जन के कमेंट आ रहे थे आप लोगों की, भैया हॉस्टल के बारे में बताइए, हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बताइए। तो हम हॉस्टल से जुड़ी सारी जानकारी देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हॉस्टल से रिलेटेड जो आवेदन दिख रहा है, ये हॉस्टल का आवेदन है जो प्रवेश के लिए भरा जाता है, जमा किया जाता है आवेदन। तो इसमें सारी जानकारी दी गई है हॉस्टल से रिलेटेड। तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या फैसिलिटी मिलती है बच्चों को, तो ये सारी जानकारी हम देखने वाले हैं इसमें। आप साथ में पढ़ सकते हैं, इसमें आसानी से पढ़ते जा सकते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर, केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर छात्रावास में प्रवेश एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र। जो बच्चे छात्रावास के लिए छात्रावास में रहना चाहते हैं, इच्छुक बच्चे ये फॉर्म आवेदन भरते हैं, भर सकते हैं। हॉस्टल एडमिशन फॉर्म इंक्लूडिंग फॉर रिन्यूअल ऑफ सीट। तो हम देखने वाले इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, हम इस फॉर्म के जरिए हम पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं, नेम भरना है, फादर्स नेम, परमानेंट होम एड्रेस, तो ये आप देख पा रहे होंगे। आप आसानी से पढ़ते जा सकते हैं, जो इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, ये फॉर्म ही ऐसा रिलीज किया गया है, वो गंदा सा है थोड़ा, तो मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो जब एडिट करेंगे तो क्लियर करेंगे इसको। तो आप आसानी से पढ़ते जाएं अपने अनुसार, और जो भी डाउट हो तो बाद में कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू वीडियो। युवक छात्रावास प्रवेश नियम। तो हम प्रवेश नियम देखने वाले हैं, जो भी नियम हैं इस हॉस्टल के, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए, तो हम देखने वाले हैं इसमें। विश्वविद्यालय परिसर में युवकों के लिए 4 टैगोर, विवेकानंद, रमन और भावा छात्रावास हैं। टैगोर और विवेकानंद छात्रावास दोनों में 190-198 कमरे हैं, जो कि टैगोर में 190 और विवेकानंद छात्रावास में 198 कमरे हैं। रमन छात्रावास में 50 कमरे हैं और भावा छात्रावास में 24 कमरे हैं। सभी छात्रावासों के प्रत्येक कमरे में 2-2 विद्यार्थियों के आवास की व्यवस्था है, एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रहते हैं। रमन एवं भावा में केवल शोध छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश की पात्रता। प्रवेश के लिए अपात्र। हम देखने वाले हैं कैसे स्टूडेंट हॉस्टल में एडमिशन या प्रवेश नहीं ले सकते, अपात्र हैं। परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र, परीक्षा ना देने वाले छात्र, छात्रावास से निष्कासित किए गए छात्र, विगत सत्र में किसी भी प्रकरण में अनुशासनहीनता के प्रकरण में दोषी छात्र, ऐसे छात्र जिनके विरुद्ध पुलिस थाना या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध लंबित है, शोध छात्रों को छोड़कर ऐसे छात्र जिन्हें 12वीं 10+2 कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 6 वर्षों से अधिक समय हो चुका है, ऐसे छात्र जिन्होंने 12th 6 साल पहले की हुई थी और अब वो एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में, तो उनके लिए प्रवेश निषेध है, मतलब अपात्र हैं वो। ऐसे छात्र जिनके माता पिता सागर जिला अथवा विश्वविद्यालय परिसर के आवासीय हैं, तो उनके लिए भी एडमिशन नहीं मिलने वाला। जो सागर जिले के होते हैं उन्हें बहुत कम ही एडमिशन मिलता है हॉस्टल में। जो दूर से बाहर के स्टेट से आते हैं, जैसे यूपी, बिहार और भी अपने
सागर जिले के छोड़कर दूसरे जिले हैं जो आसपास जिले होते हैं उनके लिए हॉस्टल में प्रवेश नहीं दिया जाता और बाकी के सभी छात्रों को एडमिशन मिल जाता है। तो हम देखने वाले हैं आगे, यही सब बातें हम देखने वाले हैं। ऐसे विगत सत्र के ऐसे छात्रवासी छात्र जिनका छात्रावास शुल्क बकाया है अथवा जिन्होंने संकाय परिवर्तन किया है। आवेदन पत्र, आवेदन पत्र भारतीय स्टेट बैंक विश्वविद्यालय शाखा में उपलब्ध है। विभाग में प्रवेश हो जाने की तत्काल पश्चात छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक छात्र निर्धारित आवेदन पत्र भरकर विभाग अधिष्ठता कार्यालय में जमा करेंगे। निर्धारित आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां पूर्ण कर 12वीं 10+2 कक्षा और पिछली परीक्षा की प्रमाणित अंक सूची संलग्न कर विभाग अधिष्ठता कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र में छात्र को फोटो लगाना आवश्यक है, तो आप ये आसानी से पढ़ सकते हैं। प्रवेश में प्राथमिकता, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम देखने वाले हैं, कैसे बच्चों को एडमिशन मिलेगा हॉस्टल में, कैसे बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। तो ये देखने वाले प्रवेश में प्राथमिकता, कैसे बच्चों को हॉस्टल में एडमिशन देने के लिए प्राथमिकता रहती है, सबसे पहले किन बच्चों को एडमिशन मिलता है। विश्वविद्यालय में पहली बार प्रवेशित छात्रों और दूरस्थ स्थानों के छात्रों को छात्रावास प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। जो बच्चे दूर से जो इस यहाँ पढ़ने आते हैं, जैसे दूसरे स्टेट से या दूसरे बाहर के डिस्ट्रिक्ट से, सागर से अदर डिस्ट्रिक्ट से जो आते हैं उनके लिए इसमें पहले, उनके लिए जो बाहर से आते बहुत दूर के होते हैं उन्हें पहले एडमिशन दिया जाता है, फिर जो पास के होते हैं फिर उन्हें दिया जाता है। और हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या बताया गया है। प्रत्येक कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर में उपलब्ध रिक्त कक्षों के आधार पर आवंटन का निर्धारण किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा पिछली परीक्षा में प्राप्त अंकों मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। जिन विषयों कक्षाओं में प्रवेश पूर्व परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनमें प्रवेश पूर्व परीक्षा की प्रवीण सूची मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवीण सूची के सभी छात्रों को छात्रावास में प्रवेश देना अनिवार्य नहीं है। विगत सत्र ऐसे छात्रवासियों को जो कि प्रवेश के लिए अपात्र नहीं है, स्थान बच्चे होने पर ही पिछली कक्षा की परीक्षा के अंकों की मेरिट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आरक्षण नियमों के अनुसार निर्धारित कमरों की संख्या के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आय प्रमाण पत्र जिसकी वैधता अवधि अस्तित्व में हो जमा करना होगा। जो ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए आय प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा जो कि प्रेजेंट में उसकी वैलिडिटी हो। विकलांग छात्रों एवं भारतीय सेना में कार्यरत व्यक्तियों को का शिक्षा सत्र के माध्यम में स्थानांतरण होने पर उनके पुत्रों और राज्य सरकारों द्वारा नामांकित छात्रों को उनके लिए आरक्षित कोटा के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। विगत सत्र में छात्रावासियों पर छात्रावास शुल्क बकाया होने पर अथवा संकाय परिवर्तित करने पर छात्रावास में पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। शुल्क, आप देख पा रहे होंगे जैसे कि शुल्क प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित शुल्क दी होगी। प्रवेश के लिए आवेदन पत्र नियम पुस्तिका शुल्क 30 रुपये जो कि रजिस्ट्रेशन फीस होती है। छात्रावास सुरक्षा निधि एक बार 300 रुपये, तो आप ये देख पा रहे होंगे पढ़ सकते हैं आसानी से। कमरे का किराया प्रति माह है, देख पा रहे होंगे। 6 महीने की देय जल विद्युत अन्य शुल्क, जैसे कि फीस, कमरे की फीस जो हॉस्टल फीस होती है वो सेमेस्टर वाइज डिपेंड होती है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी फीस लगती है तो सेकंड सेमेस्टर में चेंज होती रहती है, जैसे थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहता है फीस में, तो ये सेमेस्टर वाइज भी डिपेंड करता है। छात्र समिति शुल्क, सुविधा शुल्क, कैजुअल प्रावधिक, छात्र के कमरा किराया, विद्युत शुल्क प्रति माह।
प्रावधिक प्रवेश एक बार में अधिकतम 3 माह के लिए दिया जा सकता है। पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु आने वाले विद्यार्थियों को भी छात्रावास में जगह होने पर प्रावधिकता प्रवेश दिया जा सकेगा। शुल्क जमा करने की अवधि समाप्त होने पर भी शुल्क जमा नहीं करने पर प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन 2 रुपये की दर से विलंब शुल्क लेट फीस मतलब देना होगा। यह विलंब शुल्क कैजुअल विद्यार्थियों पर भी लागू होगा। छात्रों द्वारा छात्रावास शुल्क संपूर्ण सेमेस्टर के लिए एक मुफ्त जमा करना होगा। शोध छात्रों के लिए प्रति सत्र अपने कमरे का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। नवीनीकरण ना कराने पर और किसी परिस्थिति कमरा खाली ना करने पर कमरे के किराए और विद्युत शुल्क के अतिरिक्त 1,000 रुपया जुर्माना होगा। छात्रावास की सुरक्षा निधि नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर ही वापस होगी। प्रवेश छात्रावास प्रशासन द्वारा घोषित तिथि से छात्रावासों में प्रवेश प्राप्त होता है। छात्रावास कार्यालय द्वारा प्रवेश सूची एडमिशन लिस्ट प्रकाशित करने के बाद 10 दिन के अंदर निर्धारित शुल्क जमा कर उसकी रसीद छात्रावास कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। कमरा आवंटन होंगे पूर्व अपनी फोटो की 3 प्रतियां छात्रावास कार्यालय में जमा करनी होगी। तो आप ये पढ़ सकते हैं छात्रावास के नियम, हम छात्रावास के नियम देखेंगे, जो भी मैंने छोड़ दिया है वो आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके जहाँ जहाँ मैंने आप लोगों को पढ़ के नहीं बताया वो आप पढ़ सकते हैं आसानी से। छात्रावास के नियम, तो आप छात्रावास के नियम पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो थोड़ी स्लो कर दूंगा तो आप आसानी से, और वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं छात्रावास के नियम। छात्रावास के नियम, नया सत्र चालू होने पर पिछले सत्र के समस्त आवंटन रद्द हो जाएंगे। अध्यादेश 24 के परिपालन में समस्त छात्रों एवं शोध छात्रों व केवल 1 वर्ष अथवा 2 सेमेस्टर तक ही छात्रावास में रहने की पात्रता है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्रावासियों को परीक्षाओं की समाप्ति पर कमरा खाली कर छात्रावास प्रशासन को सौंपना होगा, अन्यथा उनका परीक्षा फल रोक दिया जाएगा। आवंटित सीट में पूर्व अनुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। विशेष कारण होने पर छात्रावास प्रशासन द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। प्रत्येक छात्र द्वारा सेमेस्टर सत्र प्रारंभ होने पर प्रवेश लेना या प्रवेश व नवीनीकरण कराना आवश्यक है। जो छात्र सेमेस्टर प्रणाली में है उन्हें प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में प्रवेश या छात्रावास में प्रवेश का नवीनीकरण आवश्यक है, अन्यथा उनका आवंटन स्वतः निरस्त हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेमेस्टर वाइज फीस भी डिपेंड होती है, तो सेमेस्टर वाइज आपको नवीनीकरण कराना पड़ता है। जब भी आपको फीस वगैरह भी सेमेस्टर वाइज जो भी कोर्स सेमेस्टर वाइज है उनके लिए सेमेस्टर वाइज ही ये सब नवीनीकरण कराना पड़ता है। प्रत्येक छात्र को सम सेमेस्टर परीक्षा के पश्चात छात्रावास छोड़ना लीविंग देना होगा। आवश्यक है ऐसा ना करने पर छात्रावास कक्ष का आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। सेमेस्टर परीक्षा के बाद भी केवल वे छात्र छात्रावास में रुक सकते हैं जिन्हें कोई अकादमिक कार्य है एवं इसका प्रमाणीकरण संबंधित शैक्षणिक विभाग से लाकर प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा संबंधित वार्डन की अनुमति भी आवश्यक है। प्रत्येक छात्र को 6 माह की छात्रावास फीस जमा करनी आवश्यक है। इसी क्रम में फीस आगे के भी भरनी होगी। प्रत्येक 6 महीने जैसे कि मैंने बताया सेमेस्टर वाइज, तो एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, साल में 2 सेमेस्टर ही होते हैं तो वो सेमेस्टर वाइज फीस भरी जाती है। छात्रावास में विद्युत हीटर का प्रयोग अथवा एसी का प्रयोग वर्जित है। ऐसा करते पाए जाने पर 1,000 का आर्थिक दंड देना होगा, पेनाल्टी देनी होगी अगर कोई एसी और हीटर का प्रयोग करता है हॉस्टल में। ये क्योंकि वर्जित है ये नहीं कर सकते आप। छात्र 2 बार तक मान्य यह दंड भी छात्र
मात्र 2 बार तक मान्य है। इसके पश्चात तीसरी बार ऐसी गलती करने पर छात्र का आवंटन स्वतः निरस्त किया जाएगा। सभी बकाया देयकों का भुगतान होने के पश्चात ही परीक्षा पूर्व नो ड्यूज प्रमाण पत्र छात्रावास कार्यालय प्रदान करेगा। यदि छात्र का कोई गेस्ट छात्रावास में छात्र के साथ रुकता है तो वार्डन की अनुमति व निर्धारित गेस्ट चार्ज आवश्यक रूप से देय होगा। छात्रों द्वारा शराब, जुआ व नशीली ड्रग्स का प्रयोग प्रतिबंधित है। यदि ऐसा करते कोई छात्र पाया गया तो उसका छात्रावास से तुरंत आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। छात्रावास परिसर में पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का प्रयोग निषेध है। ऐसा करने पर ₹500 आर्थिक दंड देय होगा। इस गलती की पुनरावृत्ति करने के लिए छात्र को छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है। छात्रावास में किसी प्रकार की सामूहिक तौर पर राजनैतिक व धार्मिक गतिविधियां करना निषेध है। ऐसा करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित वार्डन द्वारा की जाएगी। छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियां, झगड़ा, आपस में कर्मचारियों अथवा हथियार निषेध हैं। ऐसा करने पर कठोर अनुशासित कार्यवाही पुलिस कार्यवाही एवं छात्रावास से निष्कासन किया जाएगा। छात्रावास में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। रैगिंग फ्री हॉस्टल है, इसमें साफ लिखा है रैगिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने वाले छात्र को छात्रावास से निष्कासित व पुलिस कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त नियमों का पालन न करने पर छात्र की छात्रवृत्ति में रहने की पात्रता समाप्त हो जाएगी। भोजन व्यवस्था हम देखने वाले हैं। भोजन व्यवस्था में क्या बताया है, प्रत्येक छात्रावास में किचन व भोजन कक्ष हैं। भोजनालय विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा संचालित नहीं किए जाते। जैसे कि मैं बता दूं कि हॉस्टल में आपको खाना भोजन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। जो हॉस्टल है उसमें आपको अलग से मेस, प्राइवेट जो मेस होते हैं, बाहर से खाना बुलवाना पड़ेगा। हॉस्टल में ये फैसिलिटी नहीं है खाना ना वगैरह की। भोजनालय विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा संचालित नहीं किया जाता। विश्वविद्यालय के द्वारा मेस नहीं है। और आगे हम देखने वाले हैं छात्रवासियों के कोऑपरेटिव मेस। छात्रावास समिति द्वारा प्राइवेट ठेके पर संचालित होते हैं। जो मेस हैं बाहर प्राइवेट मेस हैं आपको उनसे ही खाना लेना पड़ेगा, जो कि प्राइवेट ठेके पर चलते हैं ये मेस। आपको जैसे कि मैंने पढ़ के दिखाया, छात्रावास समिति द्वारा प्राइवेट ठेके पर संचालित होते हैं। छात्रावास प्रशासन फर्नीचर, पानी, पाकशाला और भोजन कक्ष उपलब्ध कराता है। छात्रावास में प्रत्येक छात्रावासी के लिए कोऑपरेटिव मेस में खाना अनिवार्य होगा। छात्रों की छात्रवासी समिति मेस से संबंधित अन्य शर्तें जो कि मेस संचालित प्रस्तावित करेंगे, उनका अनुमोदन छात्रावास प्रशासन से कराना आवश्यक होगा। मेस ठेके से संबंधित शर्तों का पालन ठेकेदार एवं छात्रावास समिति के लिए अनिवार्य होगा। तो आपको खाना जो है हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करती, आपको बाहर से ही अपना टिफ़िन लगाना पड़ेगा। बाहर जो मेस हैं उन पे ही खाना खाना पड़ेगा। तो आप लोगों को यही ओनली एक परेशानी हो सकती थोड़ी खाने में। तो जैसे कि हमने देखा भोजन की व्यवस्था नहीं हॉस्टल में, तो आपको बाहर से ही टिफ़िन लगाना पड़ेगा, जिसका आपको अलग से इसका जो पैसा होता है, शुल्क होता है, वो आपको देना होगा अलग से। जितने का भी टिफ़िन लगता है आपको मेस में, जितने भी पैसे लगते हैं वो आपको अलग से लगेंगे। सुविधाएं हम देखने वाले हैं। प्रत्येक छात्रवासी को पलंग, तख्त, टेबल, कुर्सी, बुक सेल्फ, कमरे में बिजली की फिटिंग छात्रावास प्रशासन द्वारा प्रदत्त किए जाएगी। कॉमन रूम में टीवी, एक टीवी रूम होता है जो कॉमन रूम होता है, उसमें टीवी रखी होती है और सारे जन उसमें देख सकते हैं। रीडिंग रूम में पत्र, पत्रिकाएं तथा खेलकूद सामग्री उपलब्ध हैं। छात्रावास परिसर में खेलकूद के मैदान की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय की ओर से कमरों की सफाई के लिए खंड
सेवक तथा परिसर एवं प्रसाधन गृहों की सफाई हेतु आप मार्जिक की व्यवस्था है। प्रत्येक छात्रावास में टेलीफोन की सुविधा है। यदि टेलीफोन में दूर संचार विभाग की गलती से कोई समस्या आती है तो दूर संचार विभाग से सुधरवाया जाएगा, किंतु यदि छात्रावासियों में से उसमें कोई टूट फूट गड़बड़ी या चोरी होती है तो छात्रावासियों को चंदा करके उसे सुधरवाना व बदलवाना पड़ेगा। छात्रावास प्रशासन इसमें कार्यालयीन मदद कर सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अलावा यदि अन्य सुविधाएं छात्रावासी चाहते हैं तो उसके लिए छात्रावास प्रशासन की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। पूर्व अनुमति के बिना अन्य व्यक्तिगत सुविधाओं की छात्रावासी द्वारा व्यवस्था करने पर सुविधा तत्काल बंद कर दी जाएगी और आवश्यक होने पर छात्रावासी की सुविधा सामग्री जल जब्त कर ली जाएगी। खंड सेवकों से व्यक्तिगत कार्य लेने की अनुमति नहीं है। तो ये हमने देखा हॉस्टल से रिलेटेड जो भी जानकारी थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि जो बच्चे बाहर से आते हैं, जो अदर स्टेट से होते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, तो उनके लिए पहले इसमें एडमिशन देने दिया जाता है। जैसे कि सागर के जो बच्चे हैं उनको अगर सीट खाली होती हैं बचती हैं अगर जगह बचती है तो ही उनको एडमिशन दिया जाता है। सागर ज़िलों के या दमोह ज़िले से के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे बाद में एडमिशन मिलता है। जो खाली जगह मिलती है, सीट खाली रहती है, तभी उनको एडमिशन मिलता है। तो ये हमने देखा हॉस्टल से रिलेटेड जानकारी। तो जैसे कि सबसे पहले तो जो बच्चे दूर से आते हैं, अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनके लिए सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है हॉस्टल में। और जो सागर से होते हैं या दमोह आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए अगर खाली सीट बचती हैं तो ही उनको एडमिशन मिलता है। और जो अदर स्टेट से आते हैं उनके लिए प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले उनके लिए एडमिशन दिया जाता है, फिर जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके लिए एडमिशन दिया जाता है। अगर खाली सीट होती है तभी दमोह और सागर के बच्चों को एडमिशन मिलता है, और अगर सीट फिलअप हो जाती हैं तो बाय चांस फिलअप हो जाती हैं तो आपको रूम लेके ही बाहर से रहना पड़ेगा वहाँ पे। और सागर के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत कम ही एडमिशन मिलता है और मिलता ही नहीं है हॉस्टल में, तो उनके लिए रूम से ही रहना पड़ता है। और बहुत जो दमोह से हैं बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत कम ही मिलती है उसमें हॉस्टल फैसिलिटी, तो उनके लिए भी बाहर से रहना पड़ सकता है। तो ये तो हमने देखी। तो इसमें सबसे पहले जो दूर के होते हैं उनके लिए ही एडमिशन मिलता है हॉस्टल में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे, लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।